नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। माता वैष्णो देवी के जो भक्त हैं उनके लिए एक बड़ी खबर लेकर आई हूं। खबर क्या है वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। जिस तरह से माता वैष्णो देवी के लिए जो भक्त हैं वो देश विदेश से आते हैं और उनको किसी तरह की भी मुशक्कत का सामना ना करना पड़े, कोई भी असुविधा ना हो, जिसको लेकर प्रशासन और श्राइन बोर्ड अगर लगातार ये कोशिश करता है कि जो भक्त आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, उन्हें किसी तरह भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और जैसे ये भी देखा जाता है कि आए दिन वहां पर ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं जिससे जो भक्त आ रहे हैं उन्हें हर तरह की जो है सुविधा वहां पर मुहैया करवाई जा सके। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब श्राइन बोर्ड द्वारा एक और नया प्रोजेक्ट जो है लाया जा रहा है, और ये प्रोजेक्ट क्या है ये भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। जिस तरह से माता वैष्णो देवी भवन परिसर में जो है अब जल्द ही एक्सीलेटर जो है शुरू किया जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो स्टेयर्स है उसकी शुरुआत हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि श्रद्धालुओं को जो है माता भवन परिसर से लेकर जो है वहां तक 425 सीढ़ियों का जो है चढ़ना पड़ता था और ये सीढ़ियां खड़ी थी, जिसके कारण जो भक्त थे उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और अब जो है माता वैष्णो देवी भवन परिसर से गौरी भवन क्षेत्र में एस्केलेटर यानी कि स्वचालित सीढ़ियां लगने जा रही है और ये प्रोजेक्ट जो है लगभग 60 से 80 करोड़ रुपए का है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि ये जो है एस्केलेटर जो है ये लगभग एक साल के भीतर ही जो है इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। काम जो है अभी वहां पर शुरू हो चुका है। तो जो लोग माता वैष्णो देवी के लिए आते थे और जो है माता वैष्णो देवी भवन परिसर से लेकर गौरी भवन तक उन्हें लगभग 425 खड़ी सीढ़ियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में भक्तों को कोई जो है असुविधा ना हो और उनकी कठिनाइयां ना बढ़े या उनकी यात्रा में किसी तरह की कठिनाई ना हो, उसको लेकर जो है ये एक प्रोजेक्ट लाया गया है जिससे जो भक्त हैं उन्हें खड़ी सीढ़ियों का सामना ना करना पड़े। और आपको ये भी बता दें कि लगातार कोशिश की जा रही है कि माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है उसे सुगम बनाने के लिए आए दिन नए प्रयास किए जाते हैं, चाहे बात हो हेलीकॉप्टर सेवा की, चाहे बात हो यात्रा की, चाहे बात हो वहां पर रहने की सुविधा की। तो आए दिन नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, जिसमें एक नया प्रोजेक्ट जो है अब शामिल हुआ है और इसकी जो सूचना जो है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने जो है साझा की है कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट का काम जो है शुरू कर दिया जाएगा और लोगों को ये एस्केलेटर जो है समर्पित किया कर दिया जाएगा, ताकि जो भक्त हैं माता वैष्णो देवी के लिए आने वाले उन्हें किसी तरह की भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। मैं एक बार फिर से बता देती हूं आपको कि माता वैष्णो देवी भवन से लेकर गौरी भवन तक लगभग खड़ी 425 सीढ़ियों का जो भक्त है उन्हें सामना करना पड़ रहा था और इसको लेकर अब एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। वहां पर जल्द ही जो है एस्केलेटर यानी कि स्वचालित या जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर भी कहते हैं उसकी शुरुआत की जा रही है और ये सुविधा जल्द ही लोगों को मुहैया भी करवा दी जाएगी। और वहीं कल जो है एक खबर आई थी माता वैष्णो देवी के लिए कि जल्द जम्मू से जो कटरा तक है हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो भी श्रद्धालुओं को मिलने वाली है, जिससे माता वैष्णो देवी को आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनकी यात्रा और सुगम होगी। आए दिन नए प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद भी हो रहा है। तो श्राइन बोर्ड लगातार ये प्रयास करता है कि जो यात्रा करने के लिए यात्री आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी यात्रा में कोई कठिनाई ना हो, जिसके लिए कई बार कई प्रोजेक्ट्स को लाया भी गया है और उनमें एक और अब प्रोजेक्ट को लाया गया है कि वहां पर अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर जो माता वैष्णो देवी भवन से लेकर गौरी भवन तक उन्हें मिलेगी, ताकि भक्तों की यात्रा और सुगम हो। क्या कुछ इस वीडियो के बारे में आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।